जय हिंद दोस्तों, मैं पवन यूनियन अतुल फिजिकल एकेडमी इंदौर से। जैसे कि अभी मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षा का फिजिकल चल रहा है, आज हमारे बीच में हमारी एकेडमी के कैंडिडेट जो क्वालिफाई होकर आए हैं, फिजिकल क्वालिफाई होकर आए। हालांकि आज जो है बहुत कहीं ना कहीं बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ के जो डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी अधिकारी बैठे हुए हैं, उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से पूरी जो सपोर्टेबल है, पूरी तरह पूरी सहायता हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चे आज जो देखने को मिल रहा है, हड़बड़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपस में पैर फंसने के कारण कभी घुटने में लग रही है तो कभी पैर जो मसल से पीछे बैक साइड फोल्ड हो रही है, कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और आज जो वीडियो बनाने का मकसद एक ही है, जैसे कि आज 16 तारीख हो गई है, आप जो बचे हुए दिन हैं, जो आपकी अगर टाइमिंग नहीं आ रही है, ज़्यादा आ रही है 5 से 10 सेकंड, तो आप घबराइएगा नहीं, आपकी जो प्रैक्टिस है कंटिन्यू रखिएगा। और यदि आप कंटिन्यू रख रहे हो 24 को या 25 को या 23 को, जब भी आपका चाहे लास्ट डे 25 को, अगर आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रख रहे हो और आपका समय ज़्यादा आ रहा है 5 या 10 सेकंड, अगर आपने अपनी कंटिन्यू रखी है, तैयारी कंटिन्यू रखी और यहाँ आप आके दौड़ोगे, तो कम से कम आपका जो 5 से 10 सेकंड ज़्यादा आ रहा, तो वहाँ आप आराम से 2:40 2:45 के अंदर अंदर आ जाओगे। दोस्तों, आज जो हमारे एकेडमी के बीच में आए हैं, आज इंदौर PTC के अंदर से ही क्वालिफाई होके, सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना नाम और कैटेगरी और नंबर बता दीजिए, क्योंकि इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि सर आप जब भी वीडियो बनाते हो तो आप कैटेगरी के साथ नाम और नंबर बता दीजिए। मेरा नाम देव उजाला है, 31 जनवरी 2nd सेक्टर 59 नंबर है। आज क्या प्रॉब्लम रही है बच्चों के बीच में? सर ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं रही, क्योंकि लॉन्ग जंप में आज देखने को ये मिल रहा है कि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा गिरे, चूरी उड़ी के कारण जो है घुटने फूट गए हैं, या फिर किसी तरह पैर फोल्ड हुआ, पीछे से जो मसल थे घुटने चढ़ गए। तो क्या बोलना चाहते हो, कैसे क्या रणनीति आ रही थी जो 11-12 दिन बचे हुए हैं? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि घबराना नहीं है, आराम से दौड़ना। अगर यहाँ पर टाइमिंग नहीं भी आ रही है तो वहाँ पर आराम से आ जाएगी। मेरी यहाँ ग्राउंड पर 252 आ रही थी, वहाँ पर 244 आ गई। और लॉन्ग जंप अगर एक फीट भी अगर कम होगा तो आराम से चले जाएगी सर, चले जाएगी। और शॉर्ट फुट अगर कम हुआ तो शॉर्ट फुट भी चले जाएगा। शॉर्ट फुट कॉन्फिडेंस कम नहीं होने वाला है, घबराना नहीं। क्या है कि आपको घबराना नहीं है, यदि आपका टाइमिंग 2:55 2:50 भी आ रहा है तो वहाँ आपका 5 से 10 सेकंड कम हो जाएगा। अगर लॉन्ग जंप एक या आधा फीट आपका कम भी आ रहा है तो वहाँ जाके कोई आराम से चले जाएगा। अगर शॉर्ट फुट यानी गोला अगर आपका कम जा रहा है तो वहाँ आराम से चले जाएगा। आप जहाँ भी हो वहाँ अच्छे से तैयारी कीजिएगा और आप बेफिक्र हो जाइएगा, और गर्ल्स तो बेफिक्र हो जाइएगा, क्योंकि गर्ल्स की कोई ज़्यादा मेरिट जाने वाली नहीं है। रही बात OBC की और जनरल और SC ST की, और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बात करते हैं आज कमेंट्स में। आज जो कमेंट्स आए हुए हैं कि सर आप क्या द्रोणाचार्य बनके क्या ST SC वालों को ही शिक्षा दोगे? भाई ST SC वाले शिक्षा नहीं देने वाला हूँ, आप आओ, वेलकम, आपका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आओगे। बात करता हूँ ST वालों की, जो पश्चिम निमाड़ का क्षेत्र है, क्योंकि ये JCC ग्राउंड के अंदर पूरा का पूरा जो बेल्ट है ST का है। और इस एकेडमी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अदर एकेडमी है वहाँ भी 90% जो बच्चा है वो ST का है, 10% से 10% जो बच्चा है वो OBC और जनरल और EWS का है। हमारी गलती इसमें कुछ भी नहीं है, हम जहाँ प्रैक्टिस करवाते हैं, जहाँ हमारा ग्राउंड है, वहाँ पश्चिम निमाड़ के अधिकतर बच्चे हैं, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन और खंडवा, और जो देवास का आधा बेल्ट है, उदयनगर, बागली, इस तरफ का भी जो बच्चा है वो लगभग ST से है। और इसी कारण जो हमारी एकेडमी में और जो दूसरी अदर एकेडमी में ST का ही बच्चा है। ये हमारी एकेडमी में नहीं, सभी एकेडमी में, आप ये गलत ना अपनी सोच रखिएगा कि आप जो है द्रोणाचार्य बनके ST को करवाओगे। नहीं, आपके लिए खुला है, आपको दिक्कत नहीं, आपका स्वागत है एकेडमी में, आपको अच्छा लगे तो आइएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। और टीचर को अगर भेदभाव करना ही है तो टीचर नहीं होता है, वो एक जो आपने शब्द कहा वही होता है कि भेदभाव वाला, एक जातिवाद वाला, वो जातिवाद वाला कोई कुछ नहीं है। अगर एक अच्छा टीचर है वही है जो बिना किसी जाति के, बिना किसी भेदभाव के अपने स्टूडेंट को आगे की ओर ले जाए, अगले और मार्गदर्शन करे, वही एक अच्छा टीचर है। दोस्तों, बस इसी के साथ मैं ये वीडियो को यहीं, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाता है, कहीं ना कहीं फिर बोलते हो आप कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।